हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉन्स्टर फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की तरफ से आज ही लॉन्च हुआ है गैलेक्सी M51। आज हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। अगर आप टेक वीडियोस देखते हो तो आपको यूट्यूब पे भर भर के अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ वाला वीडियो देखने को मिल रहा होगा और भर भर के एड, न्यूज़, आर्टिकल, हर तरफ इसके अच्छाइयों के चर्चे चल रहे हैं कि मॉन्स्टर बैटरी 7000mAh का दिया गया है, नन चाइनीज़ फ़ोन है, बजट किंग है, वन प्लस नोट किलर है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई आपको इसके कमियों के बारे में नहीं बता रहा। वैसे हर फ़ोन में कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता। लेकिन आप अगर 25,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो उसको अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी जानना ज़रूरी है, जो कि सो कॉल्ड हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बताते हैं। तो बात करें इसके डिस्प्ले की, तो आपको इसमें मिलता है 6.7 इंच का पंच होल वाला सुपर एमोलेड प्लस। जी हाँ दोस्तों, सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मुझे या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम इंडियन 25,000 में सुपर एमोलेड के साथ साथ कम से कम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से इसका पहला कमी है। अगले कमियों के बारे में बात करें तो जहां तक फ़ोन की सुरक्षा की बात आती है, तो डिस्प्ले में क्या मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3। वहीं अगर 40 रुपये वाला आपको टेम्पर ग्लास लगाना ही होगा, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 3 सिर्फ आपको स्क्रेचेस से बचाएगा। बाय चांस अगर आपका फ़ोन गिर जाता है तो फिर गया आपका डिस्प्ले। कम से कम इस प्राइस में गोरिल्ला ग्लास 5 तो दे सकते थे। खैर, ये तो रहा सामने की तरफ। अब अगर पीछे की तरफ बात करें तो पीछे क्या मिलता है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी ग्लासिक फील के साथ, मतलब ग्लास बॉडी ही दे देते हैं तो इससे और भी प्रीमियम लुक आ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि ग्लास बॉडी फ्लैक्सी फ़ोन में ही देखने को मिलता है, बजट फ़ोन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अराउंड 17,000 से 18,000 के प्राइस रेंज में भी आपको आसानी से ग्लास बॉडी देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो बहुत सारे रिव्यूज़ को देखने के बाद मुझे खुद इसका कैमरा अच्छा लगा। इसमें 64 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। और फ्रंट में भी कोई कंजूसी नहीं देखने को मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर दिया गया है। कैमरे की देखें तो कैमरा इसमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो सदियों से चलते आ रहे प्रोसेसर एक्जिनोस 9611 को फाइनली सैमसंग ने छोड़ा है और बदले में क्या दे रही है, स्नैपड्रैगन 730G, वो भी 25,000 रुपये के बजट में। मतलब कुछ भी सैमसंग यहाँ पर दे रही है। सितंबर में ही वन प्लस का नोड 25,000 वाला वेरिएंट 6+64GB आएगा। मतलब वन प्लस जैसा फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन जब इस बजट में स्नैपड्रैगन 765 दे रही है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है, तो क्यों ना उसका वेट किया जाए। तो अभी तक तो मैंने इसका हाइलाइटेड फीचर्स बताया ही नहीं है, जो कि है इसका मॉन्स्टर बैटरी, 7000mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि इतना बड़ा बैटरी दी है। लेकिन आपको चार्जर क्या मिलता है, 25W का चार्जर। तो यहाँ भी कंपनी कुछ मेहरबानी कर देती है और इससे बेटर फास्ट चार्जर दे देती तो और भी अच्छा रहता। मुद्दे की बात करें तो यह नहीं कह रहा हूँ कि हर फ़ोन परफेक्ट होता है, लेकिन कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर आपको सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखाते हैं, उसी को हाईलाइट करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर 25,000 रुपये किसी फ़ोन के ऊपर खर्च कर रहे हो तो सिर्फ नन चाइनीज़ और 7000mAh बैटरी को ही देखकर इस फ़ोन को आप नहीं खरीदोगे। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस स्मार्टफोन का प्राइस ज़्यादा रखा गया है। कंपनी अगर 21,000 से 22,000 रुपये के अंदर इस स्मार्टफोन का अगर लेकर आती तो ये वैल्यू फॉर मनी रहने वाला था। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।